इस कावड़ यात्रा में हमें एक युवक दिखाई दिए जो अपनी तीन भांजियों के लिए 160 लीटर जल ला रहे हैं हरिद्वार से पैदल पैदल। चलिए जानते हैं इनसे ऐसी मन्नत इन्होंने क्यों मांगी और ये कहां से आए हैं। तो अभी हमने आपको दिखाई अनोखी अनोखी कावड़े, यहां पर हमें जल दिखाई दे रही है और काफी भारी भरकम लग रहा है और भोले हरिद्वार से यहाँ तक पैदल ला रहे हैं। चलिए पूछते हैं इनसे कि ये कहाँ से आए हैं और कितना भारी जल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू है, कितने लीटर का जल है? 161 लीटर का जल है। 161 लीटर? हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या सोच के 161 लीटर का जल इतना रिस्क लिया? अब बोल, मन कामना है, भोले बाबा ने बुलाया। मांगी थी क्या मनोकामना मांगी? भांजे के ऊपर। भांजे के ऊपर? क्या भांजा पैदा हो गया? भांजी, भांजी, तीन भांजी है, तीनों को लड़ाएंगे। अच्छा, तीनों के भांजी के स्वास्थ्य के लिए? जी। तो देखिए, लोग सिर्फ लड़का लड़का करते हैं, लेकिन इन्होंने वो मिसाल भी दी है कि लड़की के लिए भी मन्नत मांगकर ये अपनी भांजी के लिए, तीन भांजी के स्वास्थ्य के लिए 161 लीटर का जल ला रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हम लोग, गाजियाबाद, अपना बस्तेरा। हाँ। कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? हमें लग गए 15 दिन। 15 दिन? हाँ। लोग हैं आप? हम 11 जन है। अच्छा, जल ज्यादातर कौन उठाता है? तीन जन है हम जल उठाने वाले बस। कितने तारीख को निकले थे आप? हम निकले थे 22 को। 22 को? हाँ। कितने दिन लगा? हमें तो लग गया कम से कम, मान के चलो तो 11 दिन। अच्छा, बात की जाए, बात की जाए, सबसे ज्यादा व्यवस्था कहाँ की अच्छी थी, उत्तराखंड की या यूपी की? सबसे ज्यादा व्यवस्था तो हमें लगा की यहाँ मेरठ, यूपी की भी लगी अच्छी। जी। अच्छा, आपको प्रशासन से सपोर्ट मिलेगा रास्ते में? हाँ, हर जगह मिला। प्रशासन से सपोर्ट मिला था? हर जगह मिला। तो बात की जाए, प्रशासन का सपोर्ट सही रहा? सही रहा सर। बीच में जो शिविर वगैरह लगते हैं उसमें आपकी सेवा? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल कही गई।